नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल रेड अलर्ट न्यूज में। आइए लेकर चलते हैं आपको आज की खबरों की। खबर है सिवनी से, जहां सिवनी जिले के आदिवासी कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले छपारा विकास खंड के बरबसपुर शासकीय प्राथमिक शाला में पदस्थ बीमार शिक्षक राजकुमार ध्रुवे की आदिवासी विभाग के अधिकारियों की घोर लापरवाही की वजह से 29 अगस्त को मौत हो गई। छपारा बीआरसी और डीपीसी कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों द्वारा 27 अक्टूबर 2015 से 7 फरवरी 2019 तक स्कूल में अनुपस्थित रहने की बजाय बताकर निलंबित कर दिया गया था। निलंबन के बाद शासकीय नियमों के तहत शिक्षक को जीवन निर्वाह भत्ता के रूप में आधा वेतन हर माह देना चाहिए था, लेकिन शिक्षक को वह राशि नहीं दी गई। ऐसे में मानसिक तनाव के चलते शिक्षक बीमार हो गया और फिर उपचार के अभाव में उसकी 29 अगस्त को मौत हो गई। छपारा बीआरसी कार्यालय और सहायक आयुक्त अधिकारी दावा करते हैं कि अप्रैल माह तक शिक्षक के खाते में जीवन निर्वाह भत्ते की राशि डाली गई है, लेकिन वहीं मृतक की पत्नी और परिजनों का साफ कहना है उनके खाते में जीवन निर्वाह भत्ते की कोई राशि नहीं डाली गई है। वहीं मृतक शिक्षक के परिजन खुला आरोप लगा रहे हैं कि मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए घनसौर क्षेत्र में पदस्थ किया गया था। उपचार के अभाव में शिक्षक की मौत का मामला सामने आने के बाद अब सहायक आयुक्त एसएस मरकाम अपने विभाग में निलंबित पड़े शिक्षकों की फाइल की शोध आई है। उन्होंने अपने कनिष्क अधिकारी को निलंबित शिक्षकों की फाइल तैयार करने के निर्देश देकर शिक्षक की मौत के मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं आजाद अध्यापक संघ ने अधिकारियों की इस लापरवाही को गैर जिम्मेदाराना बताया है। अध्यापक संघ के अध्यक्ष कपिल बघेल का कहना है कि शासन के नियम किसी भी निलंबित कर्मचारी को जीवन निर्वाहन के लिए भत्ता दिया जाए। इसके अलावा उनका कहना है कि निलंबन समस्या का समाधान नहीं है, काउंसलिंग होनी चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए कि काम करना चाहिए। तो मुझे कल बताया गया था, मैंने तत्काल संबंधित डीडीओ से बात किया और उनके जो क्लरिकल स्टाफ हैं उनसे मैंने बात किया। उनके द्वारा बताया गया है कि वो निलंबन हुआ था 2019 में और उनको जीवन निर्वाह भत्ता जो है अप्रैल माह तक दिया गया है। मई और जून का 27 तारीख को इन्होंने बिल जनरेट किया है और फिर भी इसके बावजूद भी मैंने मेरे कार्यालय से एक मैंने एक टीम बना दिया है क्षेत्र संयोजक के अध्यक्षता में कि इसके पूरे प्रकरणों में जांच करें। ये सारे प्रकरणों की जांच करके जब प्रतिवेदन प्राप्त होगा तभी मैं इस पर बताता हूँ। परिवार में स्वर्गीय शिक्षक की पत्नी का कहना है कि उनको किसी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं दी गई और उनको आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। एस ग्रेसिया की राशि भी जो है 24 घंटे के अंदर दी जानी थी, वो भी उसको नहीं दी गई आज तक। निर्वाह भत्ता भी उसको दिया जाना हर कर्मचारी को बहुत जरूरी। शिक्षक को मिला कि नहीं मिला? नहीं, शिक्षक को उनकी पत्नी का कहना है कि आज तक उनको किसी प्रकार की कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली। मानना कि ये इस प्रकार की कार्रवाई बिल्कुल बंद होना चाहिए। निलंबन किसी समस्या का समाधान नहीं है, शिक्षक की काउंसलिंग होना चाहिए और शिक्षक को जो है समझाना चाहिए कि वो क्यों काम नहीं कर पा रहा है। इसके लिए सरकार ने पूरी टीम गठित की हुई है, वो टीम को अपना काम करना चाहिए। सिवनी से सतीश चंद्रा की रिपोर्ट।